चाइना की एक हरकत आज वर्ल्ड की बड़ी हेडलाइन बन गई। चीन के 16 विमान पड़ोसी देश मलेशिया की हवाई सीमा में घुस गए। मलेशिया ने चीन के घुसपैठिया विमानों की तस्वीरें जारी कर दी। मलेशिया की हवाई सीमा में घुसपैठ, नए एयर डिफेंस और रॉकेट लॉन्चर की नुमाइश। कोरोना से जूझती दुनिया के सामने चीन ने नया चैलेंज पेश कर दिया है। लेटेस्ट टारगेट बना है ईस्ट एशिया का देश मलेशिया। मलेशिया ने शिकायत की है कि चाइनीज एयरफोर्स के एक दो या तीन नहीं, पूरे 16 लड़ाकू जहाजों ने उसकी वायु सीमा में घुसपैठ की है। मलेशिया ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। चाइना के ये विमान साउथ चाइना सी में स्थित मलेशिया के ल्यूकोनिया द्वीपों के ऊपर से उड़े थे। ये द्वीप मछलियां पकड़ने का प्रमुख इलाका है और चीन साउथ चाइना के जिन देशों के इलाकों को अपना बताता है उनमें मलेशिया भी शामिल है। चीन पूरे साउथ चाइना सी पर दावा करता है, इस वजह से साउथ चाइना सी को लेकर उसका ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनोई, इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ विवाद चल रहा है। साउथ चाइना सी पिछले कई साल से चीन के विस्तारवाद का टारगेट बना हुआ है। इस इलाके में चीन ने पहले आउटपोस्ट के नाम पर आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए और फिर उन्हें मिलिट्री अड्डों में तब्दील कर दिया। साउथ चाइना सी दुनिया का सबसे बिजी सी रूट है। ये इलाका मछलियां पकड़ने के लिहाज से भी बहुत रिच है। कहा जाता है कि साउथ चाइना सी में तेल और नेचुरल गैस के भी बड़े भंडार हैं। सब मिलाकर यह इलाका खरबों डॉलर का हो जाता है। यही कारण है कि चीन पूरे साउथ चाइना सी को अपना बता रहा है। का विरोध करने वाले देशों में सिर्फ उसके पड़ोसी हों, ऐसा नहीं। सुपर पावर अमेरिका, मिडिल पावर्स भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इस इलाके में जबरदस्त दिलचस्पी ले रहे हैं और अपने खिलाफ ये घेराबंदी देखकर चीन पूरी दुनिया को पावर प्रेजेंटेशन दे रहा है। जमीन से आसमान तक अपनी उपलब्धियां दिखा रहा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान जब बाकी दुनिया कोविड और वैक्सीनेशन की चुनौती झेल रही थी, उस समय चीन ने मंगल ग्रह पर अपना रोवर लैंड कराया, स्पेस स्टेशन का निर्माण तेज किया। साउथ चाइना सी दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित इस इलाके से दुनिया के एक तिहाई जहाज गुजरते हैं। साउथ चाइना सी से होकर हर साल करीब $3 ट्रिलियन का कारोबार होता है। ये कितना बड़ा व्यापार है, इसे आप ऐसे समझिए कि भारत की टोटल अर्थव्यवस्था भी इससे कम ही है। कहा जाता है कि साउथ चाइना सी में 11 अरब बैरल तेल का भंडार है और 266 ट्रिलियन क्यूबिक फुट नेचुरल गैस के भंडार है। साउथ चाइना सी के समंदर में फिर उठापटक मच गई है। क्या चीन को अलग थलग किया जा रहा है या उसकी घेराबंदी की तैयारी है? 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल ने साउथ चाइना सी पर चीन के दावे को सिरे से खारिज कर दिया था। चीन को इस अदालत में फिलीपींस ने घसीटा था, जिसमें द्वीपों को चीन अपना बता रहा था। ट्राइब्यूनल ने साउथ चाइना सी पर चीन के दावे को खारिज कर दिया था। आज से करीब 20 बरस पहले साउथ चाइना सी का कोई विवाद नहीं था, लेकिन पिछले एक दशक के दौरान चीन ने यहाँ आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए हैं। वो दूसरे देशों के द्वीपों को अपना बताने लगा। अपने पड़ोसी देशों की जमीन, समुद्री इलाकों और एयर स्पेस से सैन्य घुसपैठ करने लगा। कोरोना वायरस की जो महामारी जिसके लिए चीन जिम्मेदार है, उसे भी अब चाइना का बायोलॉजिकल वेपन बताया जा रहा है। इल्जाम लग रहे हैं कि चीन ने यह वायरस लैब में बनाकर बाकी दुनिया में फैला दिया। अमेरिका अब लैब लीक थ्योरी की जांच नए सिरे से कर रहा है।